आज हम बनाएंगे व्हाइट चॉकलेट फज आसान से इंग्रेडिएंट के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शानू। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हाय, मैं बनाती हूं यहां पे वीडियोस रिलेटेड टू कुकिंग एंड लाइफस्टाइल। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। और डेली अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट रोस्ट करेंगे। ड्राई फ्रूट के लिए मैंने यहाँ पे बादाम लिया है। सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा घी गरम कर दीजिए। अब मैंने यहाँ पे बादाम है वो थोड़ी सी चर्न की है, बिल्कुल दरदरा पीसा है, इसको बारीक नहीं पीसना है। अब हमें इसको ड्राई रोस्ट करना है। तो हमारे बादाम ये रोस्ट हो चुके हैं, अच्छी सी फ्रेग्रेंस आ चुकी है इसमें। अब हम चॉकलेट मेल्ट करते हैं। डबल बॉयलर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने वाइट चॉकलेट ली है, करीब मैंने यहाँ पे 500 ग्राम वाइट चॉकलेट ली है। तो पूरा जो वाइट चॉकलेट का स्लैब आता है वो मैंने ले लिया है, उनको टुकड़ों में कर दिया था, मैंने काट दिया था। यहाँ पे मैंने कुछ धागे केसर के डाले हैं, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा, तो आप ज़रूर डालिएगा। तो आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी मेल्ट होने लगी है। इसको लगातार हमें चलाना रहना पड़ता है। और एक बार मैंने बॉयलर से हटाया, एक बार इसको अच्छे से मिक्स किया, वापस बॉयलर पे रखा और अच्छे से इसको मेल्ट किया। अब हमें चाहिए जेलीज। यहाँ पे मैंने टूटी फ्रूटी जेलीज ली है, मिक्स फ्रूट जेलीज है। आप देख सकते हैं केसर डालने से वाइट चॉकलेट का बहुत अच्छा कलर आ गया है। तो ये करीब मैंने 250 ग्राम यहाँ पे जेलीज ली है, क्यूब्स में है ये। आप चाहे तो चेरीज भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जेलीज डाली है। अच्छे से जेली डाल के मिक्स करना है। और जो आपने बादाम रोस्ट किए हैं वो भी मिक्स कर दीजिए। कुछ इस तरह से आपका मिक्सचर हो जाएगा। अब एक यहाँ पे थाली ले लीजिए। अगर आपके पास स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप का कोई मोल्ड है तो आप उसको ग्रीस कीजिए। मैंने यहाँ पे थाली में ग्रीस किया था और इसको वाइट चॉकलेट को इसमें डाल दिया। सेट होने के लिए हम रख देंगे फ्रिज में करीब 10 मिनट के लिए। और आप देख सकते हैं कि पूरी चॉकलेट इसमें आप डाल दीजिए। ऊपर लगाइए आप एल्युमिनियम फॉइल। एल्युमिनियम फॉइल लगाने से क्या होता है कि जो बर्फ़ की परत आती है या फिर जो नमी आती है वो आपकी फज पे नहीं गिरती है। इसलिए आप इसको अच्छे से या तो बटर पेपर या फिर एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर दीजिए। 10 मिनट के बाद कुछ इस तरह से वो सेट होती है। आप इस पर कट लगा दीजिए, वापस फ्रिज में रख दीजिए आधे घंटे के लिए। ये आराम से सेट हो जाती है। अब कट करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी फज बहुत अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। अगर आप कट नहीं लगाते हैं तो वो बहुत जम जाती है, फिर हार्ड हो जाती है, उससे आप कट नहीं लगा सकते, ऐसे पीसेस नहीं काट सकते। इसलिए फ्रिज में 10 मिनट रखने के बाद आपको कट करना है, फिर वापस आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। ये थी मेरी रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।